11th के प्रोज का ये चैप्टर चल रहा था। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। गॉर्डन कुक एंड एलन अर्स्ट इसके राइटर हैं दोनों। हमने तीन पार्ट इसके देख लिए थे और अब आखिरी पार्ट, ये चौथा वीडियो, और इसमें इस चैप्टर को ख़त्म किया जा रहा है। काफ़ी लंबा चैप्टर है ये और काफ़ी बढ़िया एक्सप्लेन भी किया है। इस तरह की चीज़ें पढ़ने की आदत, सुनने की आदत तुम लोगों को नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। इसलिए थोड़ा सा मैं इसको टाइम लेके अच्छी तरह से समझाते हुए भी चल रहा था, जहाँ आवश्यक हो रहा था मैं चित्र भी बना रहा था। तो अगला पैराग्राफ देखते हैं। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस। वी हैड लॉस्ट आर मेन कंपस एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बिन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 degrees। इफ यू वर लकी, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आईलैंड एट अबाउट 5 PM। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस। जो गणना इन्होंने की थी, जो कैलकुलेशन करके निकाल रहे थे कि हाँ इस दिशा में चलना है, ऐसे इतनी दूरी पे चलना है, इतने किलोमीटर्स चलना है, तो बार बार मैं उसको चेक कर रहा था। एंड वी हैड लॉस्ट आर मेन कंपस। कंपस एक यंत्र होता है, कंपस, जिसको ज़्यादातर लोग कंपास कह देते हैं, जो कि गलत है, अशुद्ध है। कंपास एक यंत्र होता है, उसमें एक मैग्नेटिक नीडल लगी होती है। मेरे पास घर पे भी मैंने रखा हुआ है, वो दिशा बताती है। ये गोल की डिबिया में इस तरह से, उसमें ये इस तरह से डिबिया में पैक रहता है ये नीडल। ये हमेशा इधर नॉर्थ हो जाता है, इधर साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये फ्री रहती है, यहाँ से ये नाचती है, तो नाच के ये दिशा बताती है कंपस। इससे हम दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। कह रहे हैं कि हमारा जो मूल कंपस था वो खो गया था। खोने का कारण समझ ही सकते हो सभी लोग, कि इतना तूफान आया, पानी भर गया, सब कुछ हुआ, सारी चीज़ें टूट फूट गई, नष्ट हो गया। तो छोटा सा यंत्र भी हो सकता है समुद्र में गिर गया हो, कुछ भी हुआ हो। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर। मेरे पास एक दूसरा था, उसको मैं यूज़ कर रहा था, विच हैड नॉट बिन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस। लेकिन वो बिल्कुल शुद्ध नहीं था, उसके मैग्नेटिक वेरिएशन, जो चुंबकीय क्षेत्र में चलता है, वो बहुत सही नहीं किया गया था, थोड़ा गड़बड़ बता रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट। तो इसी का प्रयोग करके मैंने एक एस्टिमेट बनाया, एक अनुमान बनाया, ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स, पश्चिम की ओर से जो धाराएं चल रही थी। करंट्स यानी धाराएं, यहाँ करंट का मतलब बिजली का करंट नहीं, जल धाराएं और वायु धाराएं होती हैं। जल धारा तुम लोग जब भूगोल पढ़ोगे तो उसमें जानोगे विभिन्न प्रकार की जल धाराएं चला करती हैं समुद्र में, और इसके बारे में नाविक जानते हैं, इतने साल इसने भी ट्रेनिंग उस सब के लिए थी। तो उन सबको भी मैं देख रहा था, विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, और ये भारतीय महासागर यानी हिंद महासागर के इस हिस्से में ये धाराएँ चल रही थी। तो उसका भी मैंने खूब कायदे से वो किया, अध्ययन किया। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री। लगभग 2 बजे मैं डेक पर गया और लैरी को बोला, लैरी जो उनके साथ नाविक थे, उनसे मैंने कहा कि 185 डिग्री की ओर चलो, घुमा लो, उधर घुमा लो, स्टीयर कर लो। इफ़ वी वर लकी, 185 डिग्री पे घुमा के चलो, अगर भाग्य ने साथ दिया। आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, तो मैंने कहा, एक विश्वास था लेकिन बिल्कुल पक्का नहीं था, थोड़ी शंका भी थी मन में। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी दी आईलैंड एट अबाउट 5 PM। तो अगर इधर चलोगे तो 3 घंटे के बाद हम आइलैंड देख सकते हैं, शायद हम आइलैंड तक पहुंच जाएं अगर हम भाग्यशाली हुए तो। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ब ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ। और फिर मेरा हृदय बिल्कुल भारी था, मन में तमाम आशंकाएं थी, मन भारी था। मैं अंदर चला गया, क्लाइम्ब ऑन माई बंक, और जो बना होता है सोने के लिए ऐसे टाँड टाइप का ऊपर, उस पर जाके चढ़ा। एंड अमेजिंगली, और बड़े आश्चर्य की बात है कि इतनी चिंता, इतनी परेशानी, इतनी मुसीबत में डॉज्ड ऑफ, मुझे नींद आ गई, झपकी आ गई, ना चाहते हुए भी नींद आ गई। वेन आई वोक इट वॉज 6 PM एंड ग्रोविंग डार्क। और जब मैं जगा तो 6 बज रहे थे शाम के, अंधेरा हो रहा था।
आई नो वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और मैं जानता था कि निश्चित रूप से आइलैंड मिस हो गया है, आइलैंड मिला नहीं होगा, शंका थी मन में इनके। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुंट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड्स, और अब जो भी हम क्षेत्र छोड़कर आगे बढ़ चुके थे, जो धाराएं जिधर हम चल चुके थे, कि अब आशा नहीं थी कि अब अगर पश्चिमी हवाएं आएंगी फिर से, इस तरह का तूफान, इस तरह की हवा की धाराएं आ जाएं, तो हम उनसे लड़ पाएंगे, ये आशा बिल्कुल नहीं थी। एट दैट मोमेंट टाउजल्ड हेड अपीयर्ड बाई माई बंक, इसी क्षण एक बिल्कुल बाल ऐसे उलझे हुए एक सिर सा, एक सिर अपीयर हुआ, मतलब वो ऊंचाई पर ऐसे लेटा हुआ था, तो कोई आदमी ऐसे आके खड़ा हुआ तो बिल्कुल सिर वहां दुख रहा था, नीचे कोई आदमी ऐसे खड़ा बिल्कुल उलझे हुए बाल। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्ट, और वो जोनाथन नाम का नाविक था, कह रहा है कि अरे यार गले लग लो, गले लग सकता हूँ क्या? सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और उसी के पीछे सू भी थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, मैंने पूछा भाई मुझे क्यों ये गले लगाया जा रहा है, भाई ये झप्पी क्यों दी जा रही है मुझे? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, तो मेरा बेटा वहीं था, वो कह रहा है क्योंकि आप पूरे संसार के सबसे अच्छे पिताजी हैं और सबसे अच्छे कैप्टन भी हैं आप। नॉट टूडे जॉन आई एम अफ्रेड, नहीं जॉन मैं तो डरा हुआ हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं। वाई यू मस्ट बी, नहीं नहीं आप बिल्कुल हैं, सेड सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, बड़े आत्मविश्वास से सुजैन ने, इनकी बेटी ने कहा, यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड खोज लिया। व्हाट आई शाउटेड, और मैं चिल्ला पड़ा कि व्हाट, अभी उसी बंक बेड पे वहीं पे लेटे हुए थे। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस द कोरस्ट, सभी एक साथ बोले, कोरस्ट यानी एक साथ बोले, बिल्कुल सामने ही है वहाँ, एज बिग एज अ बैटल शिप, और उतना बड़ा है जितना कि युद्ध वाला शिप होता है, युद्ध भूमि में जो शिप यूज होते हैं वो बड़े बहुत विशालकाय होते हैं, तो कह रहे हैं उतना बड़ा जैसे शिप बहुत बड़ा सा होता है वैसे, बस उतना ही बड़ा आइलैंड है। आई रेस्ट ऑन डेक एंड गेज्ड विद अ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, मैं दौड़ कर डेक पे गया, जहाज के ऊपरी हिस्से पर पहुंचा, और बिल्कुल एक रिलीफ, एक चैन, एक आराम की सांस के साथ बिल्कुल गेज्ड घूर कर देख रहा था द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, वो बिल्कुल छोटा सा नंगा, और वो आइलैंड जिसका नाम आइल एम्स्टर्डम था वो सामने था। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, और ये छोटा सा वॉल्केनिक रॉक था, नंगा सा वॉल्केनिक रॉक, वॉल्केनो ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत, समुद्र के बीच भी वॉल्केनो हो सकते हैं, तो कभी वो पर्वत रहा होगा तो वो फूटा उटा था, तो लावा वगैरह फैल के वो चट्टान बन गया था, तो वो था। विद लिटिल वेजिटेशन, जिसपे वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे बहुत ही कम थे, हरियाली बहुत कम थी, क्योंकि ज़्यादातर वॉल्केनिक रॉक्स पे ये कम होते हैं। द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और संसार में सबसे सुंदर आइलैंड ये था, हमारे सामने पड़ा था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, एंकर्ड, एंकर का मैंने चित्र बना के बता दिया था, हमने एंकर लगा दिया यानी जहाज को रोकने की व्यवस्था की किनारे पर उस रात के लिए। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर, और अगले जब सुबह हुई तो 28 इनहेबिटेंट्स, उस आइलैंड पे 28 लोग रहते थे, सोचो कि वो समुद्र के बीचों बीच उस छोटे से टापू पर भी लोग रहते थे, तो 28 लोग थे, वो सुबह आए और उन लोगों ने बड़ा आनंद मनाया और हमारी सहायता की वहाँ किनारे। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायर स्ट्रेस एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशल आवर्स, मोस्ट ऑफ ऑल आई थाट ऑफ अ 7-year-old गर्ल हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, देखो कह रहे हैं कि अब जब मेरे पैरों के नीचे ज़मीन थी, अब मैं भूमि पर खड़ा था, तो मैं सोच रहा था, मेरे विचार थे हमेशा लैरी और हर्बी के बारे में, ये जो दोनों नाविक इनके साथ थे, इन दोनों के बारे में सोच रहा था कि ये हमेशा चीयरफुल रहे, प्रसन्न रहे, ऑप्टिमिस्टिक रहे, आशावादी रहे। देखो ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत बड़ी बात है, कितना भी बड़ा कष्ट हो और कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, अगर हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, हमारे अंदर आशा है, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलता है, और अगर हम साहस छोड़ देते हैं और हम हृदय से हार मान लेते हैं तो हार हो जाती है।
तो कह रहे हैं ये दोनों के बारे में मैंने सोचा कि हमेशा प्रसन्न चित्त रहे, आशावान रहे। अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, भयानक से भयानक तनाव, बिल्कुल तब भी ऐसा। एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोस क्रूशल आवर्स, और मैरी मेरी पत्नी भी हमेशा व्हील के साथ रही। व्हील यानी वो स्टीयरिंग जिससे जहाज को चलाते हैं। चित्र देख सकते हो, फिल्मों वगैरह में देखा होगा, कार्टून वगैरह में भी दिख जाता है। तो वो मेरे साथ रही मेरी पत्नी, ऐसी इतनी अच्छी। एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, और 7 साल की वो लड़की बच्ची जो चाहती थी कि चिंता ना हो जाए, उसके सिर में चोट लगी थी, वो उस चोट को छिपाए रही। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor operations टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, और बाद में उसी चोट के कारण 6 बार छोटे मोटे ऑपरेशन कराने पड़े, क्योंकि ये जो स्किन है और इसके बाद ये हड्डी होती है खोपड़ी की, तो इस हड्डी और स्किन के बीच बार बार ब्लड क्लॉट बार बार आके खून का थक्का जम रहा था। तो 6 बार ऑपरेशन कराना पड़ा बाद में, तो वो ठीक हुआ। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और एक 6 साल के बच्चे के बारे में मैं सोच रहा था, जो 6 साल का ही बच्चा था लेकिन उसे मृत्यु से डर नहीं लग रहा था, मरने से डर नहीं लग रहा था। यानी ये देखो कि पूरी टीम ही इनकी वीरों की टीम थी, बहादुरों की टीम थी, जिन्होंने साहस और धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। तो चैप्टर तो ये है, एक तो एडवेंचर के बारे में तुम्हें जानने को मिला इस चैप्टर को पढ़ने से, एडवेंचर को समझा, एडवेंचरस स्पोर्ट को समझा, खोजी प्रवृत्ति को समझा, कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये थोड़ी है कि हम एक ही जगह जन्म लिए और एक ही जगह बिल्कुल पैदा हुए, पल बढ़ के मर गए। इवन नौकरी, कोई भी प्राइवेट नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, भाई मैंने भी जब नौकरी की शुरुआत की, चाहे जहाँ भी किया वहीं रहा, होम सिकनेस नहीं पाला कि नहीं यहाँ हूँ तो मैं भाग भाग के घर जाऊँ, जौनपुर जाऊँ, यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, जहाँ रहना है वहाँ। मनुष्य को इसीलिए जड़ नहीं दिया ना भगवान ने, जड़ देता तो पेड़ बन जाते, एक ही जगह पैदा होते, वहीं मरते, वहीं सड़ते। मनुष्य को पैर दिया है ईश्वर ने कि आप चलिए, खोजिए, देशाटन करिए, इसीलिए देशाटन करना चाहिए। और इसमें देखिए कि पूरा ग्रुप, हमारी टीम जैसी होती है वैसा परिणाम आता है। पूरी की पूरी टीम, पूरा का पूरा ग्रुप बड़ा हिम्मती, बड़ा साहसी था, और उस साहस का परिणाम भी मिला। तो ये छोटा सा पार्ट, बड़ी ही रोमांचक कहानी और बड़ी ही शिक्षाप्रद भी। तो इसको तुम लोग कई बार वीडियोस देख लेना, कई बार कायदे से पढ़ लेना, और बुक को पढ़ लेना, और क्वेश्चन आंसर सारे किए जाओ, साथ साथ किए रहो। जब हम मिलेंगे कॉलेज में तो क्वेश्चन आंसर्स मैं चेक कर दूंगा। धन्यवाद।